हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में जो मुद्दा बड़ा चर्चित है, जिसे हम कह लेंगे महिला आरक्षण बिल। संसद में बहुत ज़्यादा जो है चर्चे में है, तो स्वाभाविक है आपका जो है प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, नीचे से लेके ऊपर तक, उसी हिसाब से प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। तो कोई भी न्यूज़ जो होती है उसकी वजह से आपका जीके का क्वेश्चन बन जाता है या स्टैटिक जीके का भी बनता है, तो हमें उन चीज़ों को भी साथ में कवर कर लेना चाहिए। पढ़ने का तरीका यही होता है, जो हाल फिलहाल के मुद्दे जो ज़्यादा चर्चे में होते हैं उनसे संबंधित जीके जी ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे, जिसमें स्पेशली नए संसद और पुराने संसद के जो है बारे में जानेंगे। संसद क्या है कुछ थोड़े से ब्रीफ में उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद नया जो बिल आया है, संसद का पहला बिल है ना, वो क्या है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या चीज़ें हैं, आज आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, नया संसद है, इसको हम पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में पुरानी संसद को भी हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है, प्रश्न आपका आसान था ऐसे भी बन जाएगा कि नया संसद जो है वो उसकी आकृति कैसी है, ठीक है ना, या पुराने संसद का व्यास कितना है, पूरा डायमीटर, चूंकि ये क्या है गोलाकार है, इसको बनाया कौन था, इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा। कब शुरू हुआ, उद्घाटन किसने किया, तो हम तो तुलनात्मक रूप से भी इसको जानने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, नई संसद की अटैच्ड बिल्डिंग है, हालांकि दे रखा है इधर, उधर देखिए राष्ट्रपति भवन पीछे दे रखा है। और राष्ट्रपति भवन जो है, मैंने कहा था अरावली पर्वत श्रृंखला की जो लास्ट वाली छोर है, जो गुजरात से लेकर के यहाँ तक आती है तो दिल्ली में आई है, वहाँ अवस्थित है राष्ट्रपति भवन। तो ये कुछ ब्लॉक वगैरह हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि भैया हमारा संसद है क्या। तो सीधी सी बात है, मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, अभी फार्मूला बताया था ना। देखो संसद क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जो संसद है वो मुख्य भूमिका में रहेगा किसी भी देश के अंतर्गत, कि किसको किस तरीके से काम करना है, क्या चर्चाएँ होनी है, क्या मुद्दे हैं, उन सबको देखने का काम करेगा। तो संसद हालांकि सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन के अंतर्गत, है ना, ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ें थी पहले से ही। तो कहीं ना कहीं संविधान को बनाते समय हम लगभग ब्रिटेन की, या हम कहें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, बहुत सारी चीज़ें हम उठा लिए थे वहीं से, ज्यों का त्यों, है ना। क्योंकि शुरू से संविधान, अगर हम अपने भारत की बात करें तो 1773 से शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो उससे 1773 का मतलब वही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो होती है वहाँ से। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं संसद, तो संसद जो है इसमें तीन बॉडी होती है। मैंने फार्मूला बताया था, गिर जाऊंगा क्या फार्मूला बताया था, 79 बराबर क्या होता है 80 प्लस 81 प्लस 52, यानी कि अनुच्छेद 79 क्या है, संसद, भारत में संसद होगा इसका प्रावधान है हमारे संविधान में। 80 क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, 80-81 में बच्चे गड़बड़ करेंगे, तो जो उच्च सदन होती है वो पहले आएगी, समझिए, सॉरी कहाँ गया, हाँ हमारा उच्च सदन जो है पहले आएगा और फिर निम्न सदन आएगा, है ना, उसके उपरांत राष्ट्रपति। हालांकि देखिए इन्हीं की बैठक होती है और संसद का हिस्सा नहीं होता है राष्ट्रपति, लेकिन वो उसका अभिन्न अंग है, एक तरीके से हम देखें अभिन्न अंग भी है, और कहीं ना कहीं आमतौर पे उसको हम ऐड भी नहीं करते हैं। हालांकि एक दो क्लास होते हैं इसमें, है ना, एक राज्यसभा क्लास हो गई, दूसरी लोकसभा, तो इसमें सांसद लोग बैठते हैं भैया अपने, तो राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक। अब इससे क्या, इससे इतने से ही प्रश्न बन जाएगा कि भाई लोकसभा किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो 79 बराबर 80-81 प्लस 52, ये फार्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैथ्स मत लगाना इसमें, बिगड़ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा संसद है। तो संसद के देखिए लोकसभा बनता है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, यानी कि क्योंकि ये क्या है, हर अस्थाई होता है, स्थाई जो होता है उच्च सदन, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, तो ये उच्च सदन है, ठीक है, अनुच्छेद 80 और ये 81, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, ठीक है ना। तो जरूरत पड़ने पे आपको राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हुए दिख जाएंगे, है ना। और जब तक लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बिल पारित किया जाए तो दूसरे से भी पारित करके आगे बढ़ना होता है, जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर ना कर दें तब तक कोई भी विधेयक
जो बिल होता है, जो विधेयक होता है, वो एक्ट नहीं बनता है। तो अभी कई सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ में बड़ा परेशान रहेंगे कि बिल यानी कि विधेयक और एक्ट यानी अधिनियम, इन दोनों में क्या अंतर है ना। तो क्या होता है भाई, देखो जो बिल है, बिल कोई भी एक प्रारूप हो सकता है जिसको सरकार चाहती हो कि ऐसा कुछ कानून बने, है ना। तो उसको आमतौर पे लोकसभा में, ज़्यादातर मामलों में तो यहीं से या राज्यसभा से शुरू किया जाएगा, यानी कि बिल लाया जाएगा, फिर वहाँ पे पास हो गया तो आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पास हो गया तब राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और इनको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी तो वो साइन कर देंगे यानी अनुमति दे देंगे। जब अनुमति देंगे तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो बिल यानी विधेयक क्या है, एक अभी कच्चा कानून है जो कानून नहीं है, ठीक है ना। जब तक राष्ट्रपति या दूसरा सदन जो भी हो सकता है, आमतौर पर मान लीजिए लोकसभा से शुरू हुआ तो राज्यसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दी तो राष्ट्रपति उसको पारित कर दे। कई बार उसके पास अधिकार होता है जिसमें वीटो शक्तियाँ हम कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, जे भी वीटो हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो हो जाएगा, मतलब उसमें क्या है, या तो वो कहेगा कि भैया रहने दो, है ना, मैं पास नहीं कर सकता, या जब कुछ नहीं कहता है तो जेब में लेके टहलता रहेगा, जेब भी वीटो हो गया, समझ रहे ना। तो तीन प्रकार के वीटो हो जाते हैं, वीटो मतलब रोकना, है ना। वीटो की शक्तियाँ आमतौर पे किसी काम को रोकने के लिए होते हैं। तो छोटा सा ऐसे ही जानकारी, हालांकि यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम पुराने संसद में देखें तो हमारा पुराना संसद जो है गोल आकार का है, तो गोल और त्रिभुजाकार ये प्रश्न बनता है। तो पुराने संसद का जो निर्माण हुआ था, वो जो निर्माण कार्य जो हुआ था 1921 में, है ना, और उसके बाद इसका जो उद्घाटन कर दिया गया 1927 में, टोटल 6 साल लग गए थे, ठीक है। तो इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने, है ना। इरविन नाम सुने होंगे, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम लोग कभी चर्चा इसकी करेंगे। तो 1927 में 18 जनवरी को लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इस संसद का उद्घाटन किया जो अब हमारे लिए पुराना संसद है। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ गई, ठीक है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि आने वाले भविष्य में हमारे पास सांसदों की संख्या जो है बढ़ेगी 2026 के आसपास, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है, क्योंकि और जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या होती है। तो अभी हमारे पास जनसंख्या तो बहुत हो गई है, सांसद अभी उतने ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए, और चूंकि बिल्डिंग भी लगभग 100 साल पूरी कर चुकी है, तो अब उसे 100 साल के बाद कहीं ना कहीं मियाद ख़त्म हो जाती है ना बिल्डिंग्स की, तो इसलिए नई बिल्डिंग बनाई गई है। तो कुछ लोग जो है इसको जैसे भी ले, है ना, पॉलिटिकल तरीके से या जैसे भी, वो अलग बात है। हाँ, इसका जो व्यास है, डायमीटर, वो 566 मीटर है, ये ध्यान रखेंगे। व्यास मतलब ये पूरा गोलाकार है, तो मतलब पूरा गोलाकार है तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, 2R। तो रेडियस अगर आप देखना चाहें तो बटे 2 कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके स्टैटिक जीके में कि पुराने संसद भवन की जो डिज़ाइन तैयार की थी, इसमें 2 लोग थे, है ना, एक तो लुटियन साहब थे जिनका पूरा नाम हो जाता एडविन लुटियन, और दूसरे बेकर यानी कि हर्बर्ट बेकर, ठीक है ना। तो लुटियन और बेकर ध्यान रखेंगे, क्लियर है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों जो है पुराने संसद के क्या रहे हैं, डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया, अभियंता थे, कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया था, क्लियर है। तो ये कुछ छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब हम बात करेंगे नए संसद में, नए संसद देखिए कितना मस्त चमक रहा है ना। और तो नया संसद जो है, इसका उद्घाटन किसने, उधर इरविन ने किया था, तो इधर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि इसको भी लोग इशू बना रहे हैं, 28 मई को इन्होंने उद्घाटन किया था, तो 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है, उस दिन उन्होंने उद्घाटन किया था। तो दिवस में भी 28 मई पूछा जा सकता है कि 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या वीर सावरकर दिवस कब मनाया जाता है, बात समझ आ रही है ना। प्रश्न बनाते कैसे हैं ये ध्यान रखा करेंगे आप लोग। तो 28 मई 2023 को उद्घाटन कर दिया गया था, है ना, और नए संसद में भवन में लोकसभा का डिज़ाइन जो किया था। अब देखिए, नए संसद भवन में लोकसभा का डिज़ाइन मोर के अनुसार है,
मोर से प्रेरित है। राज्यसभा का जो है वो क्या है, जो कमल है उससे प्रेरित है, ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुजाकार ये जानते हैं, तीन मंजिला कार है, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। हाँ कितना हो गया, हाँ मोर का है, मोर से प्रेरित है, उधर कमल से प्रेरित है, तो कौन, राज्यसभा, ठीक है। अनुच्छेद 81 वाला, सॉरी अनुच्छेद 80 वाला जो है कमल से है और 81 वाला मोर से है। अब इन दोनों को हम लोग देखते हैं तुलना करके, ठीक है, तुलना करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। तथ्यों और आंकड़ों में नया संसद भवन निर्माण आरंभ हुआ था 10 दिसंबर 2020 को, 3 साल मोटा मोटी लगते हैं, तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका क्या है, उद्घाटन कर दिया गया। और ये तो ठीक है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ठीक है। और इतना रोजगार, इतने लोगों को रोजगार दिया गया, कुल प्रत्यक्ष रोजगार इतना दिया गया। हाँ ये पूछ लेता है, निर्माण का क्षेत्रफल जो है 64,500 वर्ग मीटर है, ठीक है, लोहा सीमेंट ये सब कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनी है वो किसने बनाया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। और मुख्य जो अभियंता रहे हैं वो बिमल पटेल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे उधर लुटियन और बेकर वैसे इधर बिमल पटेल, ध्यान रहेगा ना। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है, टाटा जी रतन टाटा जानते हैं, क्लियर है। शुरुआत जिस दिन न्यू पड़ी, 10 दिसंबर वाला दिवस था, डेट भी पूछ लेगा, और 28 मई जरूर ध्यान रखेंगे, क्लियर है ना। अभी नॉर्मल सा ये मुद्दा हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैं इसमें चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आप लोगों के लिए हाल फिलहाल में काम के लायक है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जरूरत महसूस होगी तो इसका और डिटेल्स वीडियो लाया जाएगा। अभी जो हमारे पास टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, हाँ तो कुल अगर बात कर लेंगे तो 552 हो जाता है, हालांकि 545 जो है अभी चल रहा है। और हमें पता है लोकसभा में एग्लो इंडियन जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो, यानी 543 पे चुनाव होना है, ठीक है, बचे दो प्लस दो हो जाएंगे तो 545, और ये संख्या बाद में बढ़ेगी, कुल जो है 552 है। राज्यसभा में 250 पता है ना, तो फिलहाल ये लोकसभा में अगर देखेंगे तो देखिए, ये जो आरक्षण वाली बात है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये मुद्दा है, ये कुछ इसमें ग्राफ में समझाया गया है कि भाई ये जो है जनरल यानी सबके लिए है, इधर ऑलरेडी महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था एससी एसटी वाले महिलाओं के लिए है ना, ऑलरेडी जो दिया गया था वो है, और उसके बाद अब जो नया आरक्षण दिया गया है इसके बारे में चर्चा हो रही है, 1/3 नया आरक्षण हो जाएगा, यानी कि 33% आरक्षण, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें 12वीं अनुसूची को ध्यान से देखें, तो 12वीं अनुसूची में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया था, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें लगभग सभी राज्यों ने 1/3 यानी कि 33% आरक्षण दिया, कुछ राज्यों ने 50% आरक्षण दिया था, ठीक है ना। जिसमें से सबसे ज़्यादा यही पूछता कि सबसे पहला किसने दिया था, तो बिहार ध्यान रखेंगे। तो ये है नया जो फार्मूला है, अभी तक क्या है ये बिल है, ठीक है, बिल यानी कि 19 सितंबर को पेश किया गया ना, पहले शुरू हुआ कार्यवाही तो 19 तारीख को पेश किया गया है, अब आगे पास होगा फिर एक्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा तो सब महिलाओं को संसद के अंदर ज़्यादा वरीयता मिलेगी। तो अभी बिल है, कानून नहीं है, है ना, कब कानून बनेगा मैंने समझाया था अभी। तो अब देखिए एससी एसटी महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो 44, महिला आरक्षण जो दिया गया है अन्य जो सभी हैं वो 137, तो टोटल 181 सीटें पहले के संदर्भ में, बाकी अब और बढ़ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो है एक हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लें, थोड़ा सा आपको ज़्यादा याद रहेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शिलान्यास की बात करेंगे, शिलान्यास का मतलब क्या होता है, यानी जिस दिन से काम शुरू हो जाए। नए संसद में तो 10 दिसंबर 2020 से हुआ था, पुराना संसद 12 फरवरी 1921 से। उसका निर्माण जो हो गया था 20 से 23, यानी 3 साल लगे मोटा मोटी, है ना। पुराने संसद को भैया लग गए थे 6 साल, 21 से 27, चूँकि 27 में ही उसका उद्घाटन किया गया था, हम चर्चा कर चुके हैं। खर्चा लगा है 1200 करोड़ रुपया नए वाले का, उस समय 83 लाख लगा था, समय तो काफ़ी पुराना है ना। डिजाइनर जो है अभी ध्यान रखेंगे, डिजाइनर अभी के लिए जो है एससीपी
HCP डिजाइंस, ठीक है, जो डिजाइन तैयार की है, ठीक है ना। और ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो मुख्य अभियंता है वो ध्यान रखेंगे, वहां पे मैंने चर्चा की थी मुख्य अभियंता कौन हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी बिमल जालान तो जो है हमारे गवर्नर हुआ करते थे, बिमल पटेल, ठीक है, जालान दिमाग में आ गया फट से, बिमल पटेल ध्यान रखेंगे मुख्य अभियंता। और उद्घाटन जो हो गया था 28 मई 2023 को, किसने किया था, मोदी जी, और ये भाई साहब 18 जनवरी 1927 को, और किसने, लॉर्ड इरविन ने, उसी का टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, है ना। अगर किसी को डाउट हुआ करे तो समझ लेना 1931 का जो गांधी इरविन समझौता है उससे कहीं कहीं दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुविधाएं क्या क्या हैं, ठीक है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो है क्षमता बढ़ा दी गई है और पूरा जो है पूरा का पूरा जो संसद है वो डिजिटल हो गया है, सबके पास अपना अपना डिजिटल क्या बोलते हैं मॉनिटर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, ये सारी चीज़ें है ना, उस तरीके से पहले जैसे जो चीज़ें थी वो नहीं रहेंगी। तो शुरुआत में 543 लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें 250, ठीक है ना, ये थी। तो अब क्या है 888 हो जाएंगी क्योंकि भविष्य में 2026 में देखा जाएगा कितना बढ़ता कितना नहीं, तो इसीलिए पहले से प्रॉपर तैयार किया गया है। और राज्यसभा में 384 हो जाएंगी सीटें, मतलब इनकी सीटें बनाई गई हैं। और लोकसभा हाल जो है टोटल जो है 1272, एक बार कई बार संयुक्त बैठक जब होती है तो एक बार क्षमता के हिसाब से बना दिया गया है, जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं तब के लिए ये भी है। तो लोकसभा में 888 नई जो है सीटों की संख्या ध्यान रखेंगे और 384 जो है राज्यसभा में, ठीक है, ऐसे हमें पता था 545 या 43 और उधर 250, ठीक है, 888 384 टोटल 1272, ठीक है, ये ध्यान रहेगा ना, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को तुलनात्मक याद रखने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं सेनेगल के बारे में, ठीक है। तो ये जो अरे ये जो है ये क्या है, तो भाई ये एक दंड है ना, और ये बता ये जो शुरुआत में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो इनको भी सौंपा गया था, ठीक है, सेंगोल, सेनेगल नहीं सेंगोल होता है। और हाँ ये आमतौर पे इसकी जो उपमा दी जाती है ये क्या थोड़ा तेज बोला करो, राजदंड, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि ये राजदंड है, शुरुआत में जब हम आज़ाद हुए तब जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। तो इसको विशेष अगर इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो बनेगा उसको हम लोग ले आएंगे। हाँ ये ध्यान रखेंगे इसके स्ट्रक्चर से इस पर जो है वृषभ यानी कि जो सांड है वो बैठा हुआ है ना, भैंस नहीं, वो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो है शुरुआत में ही हम देखे थे जब उस समय उद्घाटन के टाइम ड्यूरेशन की बात है तो वहीं पे सौंपा गया था, तो अब लोकसभा स्पीकर के पास ये रखी रहेगी है? अच्छा ये सब चीज़ें, हालांकि ये देखिए शुरुआत में हमें क्या लग रहा है, शुरुआत में मसाल टाइप का लग रहा है ये, इसको पूरा एक दंड है, इसको दंड, इसका मैं चाह रहा हूँ कम से कम मुझे लगता है 10-20 मिनट का वीडियो बनेगा, कितनी लंबाई रही है और किस तरीके से इसके इसका इतिहास शुरू हुआ, साउथ इंडिया से कैसे आया, ये सब हम लोग प्रॉपर एक और जगह पे इसका देख लेंगे। फिलहाल ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे लगता है अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, न्यायचित और निष्पक्ष शासन देने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में सेंगोल का प्रतीक इस प्राचीन भूमि का क्या है, सभ्यतागत निरंतरता को चिन्हित करता है। तो ऐसा माना जाता है कि सुचारू रूप से या बेहतर शासन प्रणाली चलेगी, तो ये ध्यान रखेंगे सेंगोल, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए। और बाकी इसका जो है छोटा सा वीडियो आएगा, इसको प्रॉपर इसमें मैं ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, देख लेना, याद हो जाएगा, ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो ठीक है, नाम याद रखेंगे कि क्या है ये, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।